हेलो यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहीं जा रहे थे तो देखा रास्ते में जो है ना, ये माशाल्लाह गायें खड़ी हुई हैं और इनको ये भाई साहब जो हैं ये मालिक हैं और वो जो बैठे हुए वो इनको चरा रहे थे, तो इनके लिए खाना लेकर आए तो वो खाना खा रहे हैं, वरना इनसे मालूम देते कुछ ज़्यादा। ये सारी हैं दूध वाली भैंसें हैं, ये सारी ये गायें जो हैं दूध वाली गायें हैं, इनसे मालूम देते हैं कि ये किस तरीके से इन्हें पालते हैं और अगर हम इनसे ख़रीदना चाहें तो ये कितने ही देंगे, बेचेंगे नहीं बेचेंगे, कैसे है तो, और इनकी जो बीमारियां कुछ होती हैं तो सिंध में उसका इलाज किस तरीके से, घर पे इलाज किस तरीके से करते हैं ये लोग, और अगर हॉस्पिटल से इलाज करवाएं तो कौन सी किस बीमारी के अंदर कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे बात करते हैं अभी। तो बात को शुरू करने से पहले हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। साई अस्सलाम वालेकुम। साई माशाल्लाह आपकी हैं साई पकड़। तो साई ये सारी दूध वाली हैं या दूसरी भी हैं? दूध वाली हैं। कौन मारा? अच्छा, ये सारी दूध वाली हैं। ये दूध आप इसका सेल करते हैं या सेल करते हैं? बेचते हैं इसका दूध। अच्छा, अभी इसको ये कितने बजे से कितने बजे तक चराता है ये? सुबह 9 बजे से शाम 4-5 बजे तक ये चराते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अच्छा इसमें से आप कोई बेचोगे अभी? जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे, वरना नहीं। अभी फिलहाल बेचने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, चलें इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई बीमारियां आ जाती हैं, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है ठंडा गर्म मौसम चल रहा है, बारिशें चल रही हैं, इनके अंदर कौन सी बीमारियां हैं? बुखार, इंदुआ, मच्छर, यानी अभी इस मौसम में मच्छर से बचाना ये ज्यादा जरूरी है, मच्छर से बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर मच्छर की वजह से कोई बीमार हो जाता है तो कौन सी गोली देते हैं? दो ब्रोफिन, दो पोनिस्टान, दिन में एक बार? अच्छा, दिन में एक बार ही देंगे। अच्छा अच्छा और जैसा कि थन वगैरह भी इनके जो है ना वो फूल जाते हैं, उसके अंदर कौन सी दवाई वगैरह देते हैं? हाँ, मिश्री और नींबू, ये थन की खराबी के लिए। अच्छा, छोटे बड़े भी थन होते हैं इनमें या सिर्फ बकरी में होते हैं? नंढड़ा वजड़ा होंदा इन्हें में। अगर को सुकी वजे थन इन्हें में सुकंदा थन, हाँ, इलाज हुई मिश्री ऐं लींबू। हाँ, अच्छा डॉक्टरी इलाज नहीं चलता, सिर्फ मिश्री और लींबू। अगर थन सूख जाए इसका मिट्टी सो ड्राई भी ये दिनदान मानो। अच्छा, क्या क्या देते हैं प्रॉपर बताना? मिश्री आए, मिश्री गणी, मिश्री पाव आधा किलो लीमा, पाव मिश्री आधा किलो लींबू और सोडा, गाजियो तेल। हाँ, अच्छा, उससे फिर सही हो जाता है। ये कितने दिन देना चाहिए? अच्छा सही। अच्छा तो अच्छा, और इसके अलावा अब जो मौसम चल रहा है हमारा, इसके अंदर हम इन्हें क्या चीज़ खिलाएं तो ये सही रहेंगी? ये जो अभी जो आप चरा रहे हो इसके अंदर तो इतना घास खास नहीं है, वो जो भूसा होता है। अच्छा, भूसा खड़ ये चीज़ होती है, ये आप देते हो इन्हें? अच्छा, अगर आप अच्छा जानवर और कुर्बानी के लिए तैयार करते हो? कुर्बानी के लिए नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ शौक है। ये शौक है आपका, ठीक है। गाबा पांच 14 महीने जो है, ये 14 महीने का गाबा है, ये बेचने का है? ना बेचने है, ये फ्रेश वन है। अच्छा, यानी सांड रखोगे इसे? सही है, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास जो ये भैंसे हैं इनमें एक ये लाल वाली होती है, ये गाय वाली? ये ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ये पांजी, हाँ, हिकड़ी गाड़ी सिंधी होंगी, हिकड़ी अच्छी सिंधी होंगी, इन्हें में खीर वधी के केड़ी देड़े? खीर खादे जो है सुठी होंगी नस्ल जो अच्छी थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वधी खीर, ये ऑस्ट्रेलिया ना है ना?
सही है यानी वधी खील मुझे ख्याल में गाड़ी दींदी है सही है ही ता वट जेका आए ने इनमें वद में वद वधिक खीर घणो आ वद में वद देती 8 किलो देती 16 किलो दिए जो ता वट आए ता खछा छा खराइंदा आयो चराई खाई लावा भूसो चुनो खड़ भूसो तेल अध किलो तेल 10-12 दिन में मिठो तेल मिठो तेल इनमें इन्हें का इन्हें जी सेहत भी सही होंगी बीमारी भी घट लगंदी सेहतमंद होंगी खीर भी सुठी यानी सही होंगे यानी 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर इसो आधा किलो सरसों का तेल देते हैं खड़ भूसा चूना वो भी वो होती है वो पराली जिसे हम कहते हैं वो भी होती है ये चीज़ें देते हैं इन्हें और माशाल्लाह ये एक गाय में से तकरीबन 8 किलो दूध एक टाइम का उठा रहे हैं 16 किलो दूध एक दिन का ये अभी निकाल रहे हैं तो माशाल्लाह आपके सामने देखें वो देखें तो सही आपका नाम मोहम्मद सिद्दीक जहेजो सही फ़ोन नंबर है आपका बताइएगा 0302 3324 8056 ठीक है साईं बड़ी मेहरबानी चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।